गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। आई एम गोइंग टू टीच यू साइंस चैप्टर नंबर 12 एंड दैट इज द चैप्टर नंबर सेकेंड ऑफ फिजिक्स फ्रिक्शन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्या है। जब हम फ्रिक्शन सुनते हैं तो सबसे पहली सवाल यही आता है कि ये फ्रिक्शन क्या है। तो पिछले चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर में आपने टाइप ऑफ फोर्सेज को देखा। दे आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेज, कंटैक्ट फोर्स एंड नॉन कंटैक्ट फोर्स। कंटैक्ट फोर्स में आपने एग्जांपल में एक देखा फ्रिक्शन, फ्रिक्शन भी एक प्रकार का फोर्स है और वो भी कंटैक्ट फोर्स है, यानी संपर्क में आए हुए ऑब्जेक्ट पर भी पर ही ये काम करता है। और तो ये है क्या, तो ये एक प्रकार का फोर्स है, अ फोर्स अपोजिंग मोशन। फ्रिक्शन क्या है, मोशन को अपोज करने वाला, मोशन का विरोध करने वाला एक प्रकार का ये फोर्स है। देखें आप अपने बुक में पेज नंबर 157 में चैप्टर 12 फ्रिक्शन, व्हाट इज फ्रिक्शन बताया है कि रोल अ बॉल ऑन द ग्राउंड, एक बॉल को आप मैदान में लुढ़कने के लिए छोड़ देते हैं, क्या देखते हैं, डज इट कम्स टू रेस्ट आफ्टर सम टाइम, क्या ये हमेशा चलता ही जाता है या आखिरकार रुक जाता है। दिस शोज दैट सम फोर्स मस्ट बी एक्टिंग ऑन द बॉल विच मेक्स द बॉल स्लो डाउन। हम लोग देखते हैं कि लुढ़कता हुआ बॉल धीरे धीरे स्लो होता जाता है और फाइनली ये रुक जाता है। तो आखिर ये कैसे रुका, किसने रोका, वही फ्रिक्शन है। जिस फोर्स ने उसको रोका वही फ्रिक्शन है। देखिए पेज नंबर 158 फ्रिक्शन के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। फ्रिक्शन यदि नहीं हो तो कोई भी चीज़ एक बार यदि चल दे तो वो हमेशा चलता ही रहेगा, लेकिन ये फ्रिक्शन है कि वो चलते हुए वस्तु को रोक देता है। कोई रोके भी नहीं तब भी वो रुकता है, कौन रोकता है, तो दैट इज फ्रिक्शन। देखिए द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजिज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इट टेंड्स टू अ स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। फ्रिक्शन की ये प्रॉपर्टी है, ये मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकने का प्रयास करता है। इट ऑल्सो टेंड्स टू प्रिवेंट अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट फ्रॉम मूविंग, यदि कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो फ्रिक्शन है जो उसको चलने नहीं देता है, चलने नहीं देना चाहता है। जब हम लोग उसको धकेलते हैं तो थोड़ा फ्रिक्शन जो है उसको रोकता है चलने से, जब हम ज़्यादा फोर्स लगाते हैं तभी वो पुश हो पाता है। तो इस तरह से फ्रिक्शन को हम डिफाइन कर सकते हैं, फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट स्लोज डाउन मूविंग ऑब्जेक्ट और प्रिवेंट्स अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट फ्रॉम मूविंग। दूसरी बात, ये फ्रिक्शन कहाँ पैदा होता है, तो फ्रिक्शन हमेशा दो सर्फेसेज के बीच में पैदा होता है। ये जब दो सर्फेस कंटैक्ट में हो और एक सर्फेस या दोनों सर्फेस मूव करना चाहे तो दोनों सर्फेसेज के बीच में एक फोर्स पैदा होता है जो मोशन को अपोज करता है और वही फ्रिक्शन कहलाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि फ्रिक्शन क्या है और फ्रिक्शन कहाँ प्रोड्यूस्ड होता है, क्यों प्रोड्यूस्ड होता है और ये क्या करता है। ये दो सर्फेस के बीच में प्रोड्यूस्ड होता है। कब प्रोड्यूस्ड होता है, जब एक सर्फेस या दोनों सर्फेस मूव करना चाहे तो, और ये क्या करता है, मोशन को रोकता है, मूव होने से रोकता है। ये मूविंग ऑब्जेक्ट को मोशन को कम करता है, स्पीड को कम करता है और स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करने नहीं देता है। देखिए दूसरी बात, काउज ऑफ फ्रिक्शन, सेकेंड पॉइंट है काउज ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का कारण क्या है। तो रफनेस ऑफ सरफेसेज इन कंटैक्ट, सरफेस कितना रफ है उसके रफनेस के वजह से ये फ्रिक्शन पैदा होता है। कोई कहेगा तो इसका मतलब है कि यदि चिकने सरफेस पे यदि गेंद को लुढ़का दें तो क्या वो लुढ़कता ही रहेगा,
तो नहीं, फ्रिक्शन वहाँ भी होता है, कोई भी सरफेस कंप्लीटली स्मूथ नहीं होता है, भले ही वो दिखने में चिकना है, लेकिन जब हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तब वो भी थोड़ा रफ दिखाई देगा, और उस रफनेस के वजह से ही ये फ्रिक्शन पैदा होता है। तो रफनेस ऑफ सरफेसेज इन कंटैक्ट, दो सरफेसेज जो कंटैक्ट में हैं उनका जो रफनेस है उसी के वजह से ये फ्रिक्शन पैदा होता है। देखिए पेज नंबर 159 में फिगर नंबर 12.3, ये एक सरफेस है, आप देख रहे हैं ये ऊबर खाबर सरफेस है, ये किस तरह से हाइट एंड ग्रुप्स बना हुआ है, कहीं ऊंचा है कहीं नीचा है ना, और ये दोनों से ऊपर का भी सरफेस जो है थोड़ा चिकना है लेकिन नीचे का ज़्यादा रूखा है, लेकिन ऊपर भी चिकना है तो उसका भी सरफेस कंप्लीट प्लेन नहीं है, तो इसका जो ऊंचा वाला पोर्शन है यानी हाइट है वो इसके ग्रुप्स में जाकर इंटरलॉक हो जाता है, और यही मोशन को होने से स्लाइड सरफेस को स्लाइड होने से रोकता है। यहाँ देखिए यहाँ दो सरफेस दोनों ही चिकने स्मूथ हैं, लेकिन स्मूथ रहने के बावजूद भी आप देखिए कंप्लीट स्मूथ नहीं है, थोड़ा बहुत गैपिंग यहाँ भी दिखाई दे रहा है इन दोनों के बीच में, यानी इन दोनों में भी ग्रुप्स है, तो एक दूसरे का ग्रुप्स जो है इंटरलॉक हो जाता है और मोशन को रोकता है, तो यही वजह है फ्रिक्शन का। देखिए लिखा माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ सरफेसेज इन कंटैक्ट, दो सरफेसेज कंटैक्ट में होते हैं उनका माइक्रोस्कोप से देखें तो इस प्रकार से ये होता है, रफ है तो ऐसा, अस्मूथ है तो ऐसा, तो इन रियल नो सरफेसेज आर अस्मूथ, कोई भी सरफेस अस्मूथ नहीं होता है, मार्बल क्यों ना हो वो भी जो है कंप्लीट स्मूथ नहीं होता है, उसमें भी थोड़ी बहुत रफनेस होती है, और उसमें भी यदि हम बॉल लुढ़का दें तो ज़्यादा दूर तक जाएगा चूँकि फ्रिक्शन कम है, लेकिन रुकेगा ज़रूर, फ्रिक्शन होगा ही। नेक्स्ट पॉइंट है फैक्टर्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन किन किन बातों पे डिपेंड करता है उन्हीं को फैक्टर्स कहते हैं, तो देखिए क्या लिखा, नेचर ऑफ सरफेसेज इन कंटैक्ट, जो सरफेस कंटैक्ट में है उसका नेचर क्या है, स्मूथ है या रफ है, यदि रफ है तो ज़्यादा फ्रिक्शन होगा, स्मूथ है तो कम फ्रिक्शन होगा, लेकिन होगा ज़रूर। सेकेंड है मास ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसका मास कितना है, यदि मास ज़्यादा है तो फ्रिक्शन भी ज़्यादा होगा, मास कम है तो फ्रिक्शन कम होगा। देखिए पेज नंबर 159 में यहाँ पे फ्रिक्शन का दिया हुआ है कि फ्रिक्शन किन बातों पे डिपेंड करता है, फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सर्फेसेज इन कंटैक्ट, एंड सेकेंड थिंग फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट, तो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब आप लोग होमवर्क नोट करेंगे, आंसर द गिवेन ओरल क्वेश्चन पेज नंबर 159 इन योर नोटबुक। पेज नंबर 159 में एक बॉक्स दिया हुआ है, उस बॉक्स में ओरल क्वेश्चंस है, ओरली जवाब देना है क्लास में, लेकिन चूंकि क्लास आप लोग का नहीं हो रहा है इसलिए आप लोग अपने नोटबुक में ही इसका आंसर करेंगे। देखिए पेज नंबर 159 में यहाँ पे ये बॉक्स दिया हुआ ओरल क्वेश्चन, इसको आपको करना है होमवर्क के रूप में। तो आज भर इतना ही, नेक्स्ट डे हम लोग इस फ्रिक्शन का एप्लीकेशन देखेंगे, फ्रिक्शन हमारे लिए कितना यूजफुल है या हार्मफुल है या दोनों है, इसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे। इट्स ओके, थैंक यू।